गाइज ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवीज होती है उनमें आपको कुछ यूनिक स्टोरी देखने को मिलती है। बेसिकली इन मूवीज में या तो हीरो की पास्ट से जुड़ी कोई मिस्ट्री होती है या फिर उसकी रियल लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां पैदा हो जाती है जिसके कारण वो पूरी तरह से परेशानियों में फंस जाता है। आज हम जिन 6 मूवीज के बारे में बताने वाले हैं उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से सभी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप भी साउथ की इन 6 मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर से जरूर लाइक करके जाना, और इसके अलावा अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए डेली बेसिस पर साउथ इंडियन मूवीज का अपडेट लाते रहते हैं। तो आइए अब जानते हैं अपनी फर्स्ट मूवी के बारे में। नंबर 1 पर आती है ओन्नायुम अट्टू कुट्टियम मूवी, और ये 2013 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको IMDB की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 95% लाइक किया। मूवी में आपको श्रीराम नटराजन, मिस्किन और राजा भारत जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो कहानी में चंद्रू एक टीनेजर है जो अनजाने में जब एक मरते हुए भगोड़े की मदद करता है तो पुलिस उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेती है और उस भगोड़े को पकड़ने के लिए चंद्रू और उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करने लगती है। अब दोस्तों पुलिस उस भगोड़े को क्यों मारना चाहती है और चंद्रू खुद को और अपने परिवार को इन सब झंझट से बाहर कैसे निकालेगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफ़ी अच्छी है जो आपको हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी विद सबटाइटल। नंबर 2 पर आती है तेज मूवी, और ये 2020 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको IMDB की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 93% लाइक किया। मूवी में आपको हर्षवर्धन राणे, पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो कहानी में सन्नी और रोहन बचपन से अच्छे दोस्त है और इसीलिए सन्नी रोहन के भाई की शादी अटेंड करने के लिए लंदन पहुंचता है, लेकिन वहां जाने के बाद सन्नी से उसके पुराने दुश्मन का भाई टकरा जाता है और जिसके बाद पूरी कहानी इंसक मोड की ओर चली जाती है। अब दोस्तों सन्नी के दुश्मन का भाई लंदन में कैसे पहुंचा और आगे क्या होगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और अगर आप एक पारिवारिक रिवेंज वाली फिल्म देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। नंबर 3 पर आती है अंजथे मूवी, और ये 2008 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसको IMDB की तरफ से 8.1 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 96% लाइक किया। मूवी में आपको नारायण, अजमल अमीर और प्रसन्ना जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो कहानी में सत्या और किरूबा अच्छे दोस्त हैं जो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब सत्या को अनुचित तरीके से नौकरी मिल जाती है तो किरूबा शराबी बन जाता है और गलत रास्ते पर चला जाता है और जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अब दोस्तों किरूबा ने गलत रास्ता क्यों चुना और सत्या उसका सामना किस प्रकार करता है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफ़ी अच्छी है जो फिलहाल आपको सबटाइटल के साथ देखने को मिलेगी। नंबर 4 पर आती है 200 अल्लाहो मूवी, और ये 2021 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसको IMDB की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 96% लाइक किया। मूवी में आपको सलोनी बत्रा, वरुण सोपती और रिंकू राजगुरु जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो कहानी में अक्कू यादव एक डकैत है जिसने 15 साल तक दलित जाति की लड़कियों और महिलाओं के साथ सामूहिक रेप और लूटपाट की होती है, लेकिन जब वो एक दलित जाति की शिक्षित लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसे नष्ट करने का फैसला करती है। अब दोस्तों वो लड़की अक्कू यादव का लोगों से डर खत्म करने के लिए क्या क्या करती है और आखिर में क्या वो उससे बदला ले पाने में कामयाब होगी, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफ़ी अच्छी है जो आपको भी जरूर पसंद आएगी। नंबर 5 पर आती है माथू बलदारा मूवी, और ये 2019 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसको IMDB की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 97% लाइक किया। मूवी में आपको श्री सिम्हा, अतुल्य चंद्रा और नरेश अगस्त्या जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो कहानी में बाबू मोहन एक कुरियर बॉय है जो अपनी पुअर लाइफ से काफ़ी दुखी है, इसीलिए वो अपने कस्टमर्स को चीट करके और भी ज़्यादा पैसा कमाने का फैसला करता है और इसके लिए वो एक अपार्टमेंट को निशाना बनाता है, लेकिन जब वो एक महिला को लूटने की कोशिश करता है तो इस दौरान एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें वो महिला मर जाती है। अब दोस्तों वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें वो महिला मरी और बाबू इन सब झंझट से बाहर कैसे निकलेगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफ़ी अच्छी है जो आपको भी काफ़ी पसंद आएगी।
नंबर सिक्स पर आती है अंजाम पथिरा मूवी, और ये 2020 की एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 8/10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 96% लाइक किया। मूवी में आपको कुंचको बोबन, उन्नी माया प्रसाद और श्रीनाथ बासी जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो कहानी में अनवर एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है जो केरल पुलिस की हर हाल में मदद करता है, लेकिन जब शहर में कई पुलिस वालों का रहस्यमय तरीके से मर्डर होना शुरू हो जाता है तो अनवर पुलिस के साथ मिलकर उन हत्याओं के पीछे जिम्मेदार सीरियल किलर का पता लगाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों वो सीरियल किलर शहर में पुलिस वालों को ही अपना निशाना क्यों बनाता है और क्या अनवर उसे ट्रेस कर पाने में कामयाब होगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी बहुत अच्छी है जो अब हिंदी में आ चुकी है, आप इसे जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखना मत भूलिएगा। और इससे पहले यानी कल का जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को कवर किया था, तो आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।